हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दशमलव के भाग करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने तीन भाग लिए, तीन भाग बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं। तो चलिए दोस्तों, इनको एक एक करके हल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम छह के भाग को हल करेंगे। तो हमें छह का भाग देना है 7.524 में। तो सबसे पहले हम जो सामान्य भाग करते हैं उसी प्रकार से हल करेंगे, और इसके बाद हम लगाएंगे पॉइंट। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चय का भाग किस में देंगे? सात में। तो चय का पारा ऐसा पढ़ेंगे जो सात से ज़्यादा नहीं है। तो चय एकम छः, चौदुनी बारह, बारह संख्या सात से ज़्यादा हो रही है। तो फिर क्या लिखेंगे? छः एकम छः। हमने पारा कितनी बार पढ़ा? एक बार। तो यहाँ एक लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, सात में से चल गया तो कितना बचेगा? एक। उतारा किसका लेंगे? पांच का। तो संख्या क्या बनेगी? पंद्रह। अब हम चय का पारा ऐसा पढ़ेंगे जो पंद्रह से ज्यादा नहीं आए। तो चयकन चय, चौदुनी बारह, छत्ती अठारह, अठारह संख्या पंद्रह से ज्यादा हो रही है। तो फिर क्या लिखेंगे? छदुनी बारह। हमने पारा कितनी बार पढ़ा? दो बार। तो यहां दो लिखेंगे। अब इसको माइनस कर देंगे, पांच में से दो गया तो तीन, एक में से गया तो क्या बचा? कुछ नहीं। उतारा लेंगे दो का। अब हमारी संख्या क्या बन गई? बत्तीस। अब हम छह का पारा ऐसा पढ़ेंगे जो बत्तीस से ज्यादा नहीं आए। तो छह एकम छह, छह दुनी बारह, छत्ती अठारह, छह चौक चौबीस, चपैया तीस, चकनक छत्तीस। छत्तीस संख्या बत्तीस से बड़ी है। तो फिर क्या लिखेंगे हम? चपैया तीस। हमने पारा कितनी बार पढ़ा? पांच बार। तो यहाँ पांच लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे तो दो की दो, तीन में से तीन गया तो कुछ नहीं बचेगा। उतारा लेंगे चार का। तो संख्या क्या बनेगी? चौबीस। अब हम छह का पारा ऐसा पढ़ेंगे जो चौबीस से ज्यादा नहीं आए। तो छह एकम छह, छह दुनी बारह, छत्ती अठारह, छह चौक चौबीस। हमें संख्या बराबर मिल गई, तो बराबर संख्या को लिख सकते हैं। तो चौबीस की चौबीस। हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा? चार बार। तो यहाँ चार आएगा, इसको माइनस करेंगे तो चौबीस में से गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। हमारा भागफल कितना है? 1254। इसमें हमें पॉइंट लगाना है, इसमें हमें दशमलव लगाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देखेंगे जो हमारी संख्या ये है, इसमें पीछे से कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट लगाए। तो एक दो तीन, तो इसमें भी हम पीछे से तीन संख्या छोड़कर क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो एक दो तीन, तो हमारा आंसर रहेगा 1.254। ये हमारा क्या है? भागफल है। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट भाग को हल करते हैं। तो हमारा भाग दिया है 12 का, और हमें भाग देना है 765.12। तो सबसे पहले जो हम सामान्य भाग को हल करते हैं उसी प्रकार से हल करेंगे, उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो 12 का भाग किस में देंगे? हम 7 में देंगे। तो क्या 12 का भाग 7 में जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि 12 से 7 कैसी छोटी है। तो अब हम क्या करेंगे? तो 7 के साथ एक और संख्या ले लेंगे। तो अगली संख्या क्या है? 6। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी? 76। अब हम 12 का पारा ऐसा पढ़ेंगे जो 76 से ज़्यादा नहीं आए। तो 12 का ना 12, 12 उन्नीस 24, 12 तीस 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84। 84 संख्या कैसी रही? ज़्यादा। तो फिर क्या लिखेंगे हम? 12 छक्के 72। हमने पारा कितनी बार पढ़ा? 6 बार। तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया तो 4, 7 में 7 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। उतारा लेंगे 5 का। तो संख्या बन गई 45। अब हम 12 का पारा ऐसा पढ़ेंगे जो 45 से ज़्यादा नहीं आए। तो 12 का ना 12, 12 नहीं 24, 12 तीस 36, 12 चौक 48। 48 संख्या कैसी रही? ज़्यादा। तो फिर क्या लिखेंगे? 12 ती 36। हमने पारा कितनी बार पढ़ा? 3 बार। तो यहाँ 3 लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे तो क्या 5 में से 6 घट सकता है? नहीं घटेगा। तो 5 को क्या मान लें? 15। 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 9। एक हासिल 3 में जोड़ देंगे तो 4 में से 4 गया तो कितना बचेगा? कुछ नहीं। उतारा लेंगे 1 का।
तो संख्या बनेगी 91। तो अब हम 12 का पारा ऐसा पढ़ेंगे जो 91 से ज़्यादा नहीं आए। तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पन 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 94। तो 94 संख्या कैसी रही? ज़्यादा। तो फिर क्या लिखेंगे हम? 12 सत्ते 84। हमने पारा कितनी बार पढ़ा? 7 बार। तो यहाँ 7 लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे। क्या एक में से चार घट सकता है? नहीं घटेगा। तो एक को क्या मान लेंगे? 11। 11 में से चार गया तो कितना बचेगा? 7। एक हासिल इसमें जोड़ देंगे तो ये जाएगी 9। 9 में से 9 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। उतारा लेंगे 2 का तो संख्या बनेगी 72। तो दोस्तों अब हम 12 का पारा ऐसा पढ़ेंगे जो 72 से ज़्यादा नहीं आए। तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छक्के 72। हमें 72 की 72 मिल गई तो बराबर संख्या को लिख सकते हैं। इसको माइनस करेंगे। 72 में से 72 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा? 6 बार। तो यहाँ आएगी 6। अब दोस्तों ये देखेंगे हम कि हमने जिस संख्या में भाग दिया है उस संख्या में पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद लगाए। तो हम पीछे से संख्या गिनाएंगे। तो 1, 2, तो दो संख्या छोड़कर क्या लगाए? पॉइंट लगाए। तो हम इसमें पीछे से दो संख्या छोड़कर क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा क्या आंसर रहेगा? 63.76 हमारा क्या है? आंसर है। तो चलिए दोस्तों अब हम तीसरे भाग को हल करेंगे। तो हमारा भाग दिया है 152.52 और हमें भाग देना है 12.4 से। तो सबसे पहले हम 152.52 को लिख लेंगे। 152.52 और इसमें हम भाग किससे देंगे? 12.4 से। क्या मैं इसमें 1/1 से गुणा कर सकता हूँ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे? पॉइंट को हटाएंगे। तो पॉइंट हटाने के लिए हम ये देखेंगे कि ऊपरी संख्या में पॉइंट के बाद कितनी संख्या है। तो 1, 2, तो नीचे हम 2 0 बढ़ा देंगे। अब नीचे की संख्या में ये देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1, तो ऊपर हम 1 0 बढ़ा देंगे। 1 0 से 1 0 कट गई। अब हम पॉइंट को पॉइंट से हटा देंगे। तो यहाँ क्या बचा है? 152 और यहाँ 124 और यहाँ क्या बचा है? 1/10। 124 का भाग इस संख्या में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 123 बार जाएगा। तो ऊपर 130 आएगा, नीचे 10। अब हम 10 का भाग किस में देंगे? 130 में देंगे। तो सबसे पहले हम 130 लिख लेंगे। अब ये देखेंगे कि 10 में कितनी जीरो हैं? तो 1 0। तो पीछे से हम एक संख्या छोड़कर क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 12.3 हमारा क्या आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।